हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पाइप एंड टैंक। तो पहले हम इसका कुछ बेसिक देखते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए इसका बेसिक क्लियर करते हैं। पहले देखिए, पहले यदि टंकी है, ठीक है, पानी की टंकी, टैंक कुछ भी है, जब टैंक भरेगा क्या होगा? जब टैंक भरेगा, भरेगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनलेट। क्या बोलते हैं? इनलेट। जब भरेगा तो क्या करेंगे? तो हम उसको प्लस मिलेंगे, ठीक है, प्लस मिलेंगे। और जब टैंक खाली होगा, खाली हो क्या बोलते हैं? आउटलेट, ठीक है। जब खाली होगा तो माइनस मिलेंगे, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस मिलेंगे। तो टैंक की क्षमता इक्वल टू क्या होता है? टैंक की क्षमता इक्वल टू होता है दर इनटू समय, ठीक है। इस फॉर्मूले के याद कर लीजिएगा, इसी के बेसिक से क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, इसको याद करिए। जब टंकी भरेगी तो हम उसको प्लस मिलेंगे, और जब टंकी देखिए जब टंकी खाली होगी तो उसको हम माइनस मिलेंगे, ठीक है। और टैंक की क्षमता इक्वल टू क्या होता है? दर इनटू समय होता है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसमें कहा गया है, एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और दूसरी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। एक कितना? 20 घंटे में भरता है और दूसरा 40 घंटे में भरता है, ठीक है। तो देखते हैं, एक कितने में भरता है? एक 20 घंटे में, ठीक है। एक दूसरा है कितना? 40 घंटे में भरते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो क्या होगा? 40 एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए इसकी ये दर निकलेगी, ये 20 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 2 हो जाएगा, और 40 से डिवाइड करेंगे 40 को तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये टंकी की क्षमता है। क्या है? ये टंकी की क्षमता है, ठीक है। और ये दर है, ये पहले टंकी की दर है, मतलब एक घंटे में पहली टंकी 2 लीटर भरती है, कितना? 2 लीटर भरती है। जो दूसरी टंकी है वो एक घंटे में 1 लीटर भरती है, ठीक है, 1 लीटर भरती है। ये हमारी दर है, ठीक है। क्या है? ये हमारी दर है, ठीक है, ये भी, ठीक है, ये दर है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ना, ये टैंक की क्षमता दर इंटू समय होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देंगे, हमारी टंकी की क्षमता कितनी है? 40, तो दोनों 2 लीटर भर रहा है, ये 1 लीटर भर रहा है, दोनों 2 + 1 40.33 कितना हो गया? 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13.33, कितने? इतने घंटे में भर देगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, एक भरने वाला पाइप एक दूसरे भरने वाले पाइप बी से 4 गुना तेज है, ठीक है। यदि बी 25 मिनट में एक टैंक भर सकता है, तो ज्ञात करिए कि जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ए है वो बी से 4 गुना तेज है, कितना? 4 गुना तेज है। देखिए ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, इसमें क्या कहा गया है? मान लीजिए बी 1 है तो ये कितना? 4 गुना है, तो ये 4 हो गया। तो बी कितने? 25 मिनट में भर जाता है, कितने? 25 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की क्षमता क्या होगी? टैंक की क्षमता, तो
तो टैंक की क्षमता इक्वल टू हो जाएगा, मैंने आपको लिखाया था दर इंटू समय, ये इसकी दर है ये समय, तो 25 इंटू 1 हो जाएगा 25 लीटर। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी क्षमता कितनी है 25 लीटर। ठीक है, तो इसमें कहा गया तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, दोनों पाइप को खोला जा रहा है। ठीक है, जब दोनों पाइप को खोल दे रहे हैं तो टैंक कितने देर में भर जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, टंकी की क्षमता कितनी है 25, तो 4 × 5, ठीक है 25 5 कैंसिल करेंगे तो 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा ना आपको? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने आपको, ये हमारी दर है, मतलब ये ए है वो एक मिनट में है, देखो मिनट में कहा जाए तो मिनट में लेंगे, घंटे में आवर में कहा जाए तो घंटे में लेंगे। ठीक है, ये एक मिनट में 4 लीटर भर रहा है और बी एक मिनट में 1 लीटर भर रहा है। ठीक है, तो हमने उसी हिसाब से निकाल लिया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में तो आ रहा? कोई भी दिक्कत हो कहीं, मैंने बेशक पीछे आपको करा ही दिया है कि टंकी खाली होगी भरेगी तो क्या होगा, और आपको मैंने फॉर्मूला लिखा ही दिया है, और कुछ क्वेश्चन से भी करा दे रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया 3 पाइप PQR एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद आर बंद किया जाता है। ठीक है, आर को बंद कर दिया जाता है और शेष भाग को पी और क्यू 8 घंटे में भर सकते हैं, टंकी को आर द्वारा भरने में कितना समय लगेगा यह हमें बताना है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है पी प्लस क्यू प्लस आर कितने 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 घंटे तक एक साथ कार्य करते हैं, ये तीनों 2 घंटे तक कार्य करते हैं, इसके बाद आर को स्टॉप बंद कर दिया जाता है और शेष भाग को पी क्यू मिल के भरते हैं, उस टाइम कितना लगता है 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए पी प्लस क्यू को 8 घंटे भरने में जो टाइम लग रहा है उसको इक्वल टू किसके करेंगे, ये टोटल कितना 6 घंटे लेते हैं, तीनों 6 घंटे लेते हैं लेकिन 2 घंटे तक इन्होंने काम कर दिया। ठीक है, 2 घंटे में किया है। ठीक है, इसके बाद बंद कर दिया गया आर को, तो इसके बाद 2 PQ ही काम कर रहे हैं, तो देखिए 2 घंटे काम किया है तो इस PQ ने मिलके कितने 8 घंटे में भरा है। ठीक है, तो ये 6 घंटे टोटल ले रहा है, 2 घंटे काम कर दिए, 2 घंटे को हमने इससे माइनस कर दिया तो हमारा कितना 4 घंटे का हमें इसके निकालना पड़ेगा, कि ये जितना 4 घंटे में भर रहा है वो उतना 8 घंटे में भर रहा है, तो हम इसको इक्वल टू लिख देंगे पी प्लस क्यू प्लस आर, इनके ये तीनों के 4 घंटे का काम और पी प्लस क्यू के 8 घंटे का काम बराबर है। ठीक है, क्या है दोनों का बराबर है, तो हमने क्या कर दिया बराबर कर दिया, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये पी क्यू है, इसका 4 है, 4 P + Q मैंने अलग कर दिया। ठीक है, प्लस 4 R, ठीक है, और ये 8 P + Q है। ठीक है, अब ये 4 उस साइड जाएंगे, ये 4 R रहेगा ही, और ये 8 P + Q और ये माइनस का इस साइड चला गया। ठीक है, 4 P + Q, ठीक है, तो ये 4 R इक्वल टू हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 P + Q। ठीक है, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, R/P + Q, तो ये इस साइड आ गया 1/1, तो ये क्या है दोनों की R की क्षमता 1 है और P + Q की भी क्षमता 1 है, तो इसमें क्या कहा R द्वारा भरने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हमें बताना है। पहले हम क्या निकालेंगे, टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता निकालेंगे। ठीक है, टंकी की क्षमता मैंने बताया था दर इंटू समय, क्या बताया था दर इंटू समय, पहले तीनों की देखिए दर निकालेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर, और तीनों को भरने में कितना समय लग रहा है 6 घंटे, इंटू 6 कर देंगे तो दोनों की दर पी प्लस क्यू की दर 1,
वन, आर किधर, वन इंटू सिक्स, तो हमारा स्क्वल टू ये कितना हो गया 12, ठीक है, ये हो गया 12। तो हमें क्या बताना है, आर कितना टाइम लेगा, ठीक है, ये हमें बताना है कि आर को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए आर द्वारा कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना। तो क्षमता हमारी 12 है और आर की दर कितनी, 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या कितने कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। ओ एक मिनट, 12 घंटे, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बहुत बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ, एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ये टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, ये सब एक ही जैसे हैं। आप यदि टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ये आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है एक पाइप पी किसी टंकी को 20 मिनट में तथा दूसरा क्यू 40 मिनट में भरता है तथा तीसरा आर 10 मिनट में खाली करता है। क्या करता है, ये खाली करता है। पहले दोनों पाइप को 10 मिनट खोलने के बाद पाइप आर को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए पी 20 मिनट में, क्यू 40 मिनट में और तीसरा आर 10 मिनट में, कितना 10 मिनट में, 10 मिनट में खाली करता है। पहले दोनों पाइप को 10 मिनट खोला जाता है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालें, पहले टंकी की कैपेसिटी क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं, पी क्यू आर। तो पी को कितना टाइम मिलता है, 20 मिनट, क्यू को 40 मिनट, आर को 10 मिनट। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा 40। ये क्या है, टंकी की क्षमता है, ठीक है, ये टंकी की क्षमता है। अब हम पी क्यू आर की दर निकाल लेंगे। देखिए P 2, Q की 1, मैं डिवाइड करना है। पहले आपको टाइम एंड वर्क में एक एक चीज़ समझा दी अच्छे से। R 10 से डिवाइड करेंगे 40 से 4, बट ये क्या होगा, माइनस, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है और ये दोनों प्लस में है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये दोनों टंकी को भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है R, ठीक है। तो इसमें कहा गया 10 मिनट खोलने के बाद, ठीक है, 10 मिनट पहले हम पी क्यू को खोलते हैं, तो पी की क्षमता 2, क्यू की 1 एंड 10 मिनट, तो कितना टंकी भर गई, 2 × 3 = 10 इंटू हो गया 30 लीटर। टंकी में पानी कितना है, 30 लीटर भरा है, ठीक है, टंकी 30 लीटर पानी भरा है उसमें, ठीक है। तो बाद में पाइप आर को भी खोल दिया जाता है, बाद में तीनों खोला जाता है। तो देखिए 2 प्लस का, 1 माइनस का 4, तो ये माइनस का, तो अब पानी भर नहीं रहा, क्या हो रहा है, 1 लीटर पानी खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, ठीक है। तो तीनों खोल दिए गए, तो टंकी में पानी जा नहीं रहा है, सिर्फ 1 लीटर बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो इसमें क्या कहा गया, तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, तो टंकी में पानी कितना है, 30 लीटर पानी और 1 लीटर माइनस क्या हो रहा, खाली हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा दिया है, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत क्लियर करा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक से लेके चल रही हूँ मैं, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइट डे।